कभी कहते हैं कि ये जो है गद्दारी के मुकदमात इन पर चलाए जाएंगे और कभी ये जो है दो मरतबा तीन मरतबा ये जो हमारी सेंट्रल ये सेक्रेटेरिएट है इसको पहले भी सील किया गया था और हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद भी सील नहीं किया गया था। इंट्रा कोर्ट अपील में गए, इंट्रा कोर्ट अपील में दो जज साहबान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पहले कहा खोल के आओ, उसको खुलवाया गया दफ्तर को और दफ्तर में जब हमारे जो है अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन वो वहां बैठे होते हैं तो फिर इस तरह से उठा लिया जाता है उन्हें और सारा हमारा रिकॉर्ड सील कर लिया जाता है। वो 41 हमारे MNA जिन्होंने तकमील में अपने बयान हल्फी दिए थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के जो है रुकन में हैं और उसी के ही मुआवनत से हम जीते हैं तो वो भी सारा रिकॉर्ड सील कर दिया जाता है। फिर हाईकोर्ट के उस फैसले को भी जो है ओवर रीच किया जाता है जिसमें उन्होंने सील डी सील करके हमारी प्रेमिसेस खुलवाई थी। फिर कहते हैं डिजिटल दहशतगर्द है और वो हमारे जस्टिस बाबर सितार साहब पहले ही मेरी और बुशरा बीबी की जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी फोन पर उसका वो जो है इहाता किए हुए हैं और सारे जो है जितने DG ISI हैं DG FIA हैं DG पेमरा हैं सारों को जो है तलब करके किया हुआ है और जिन्होंने कहा कि आप केस को न सुने और उन पर 2-2 लाख की जुर्माना किया और जिन्होंने कहा कि आप जो है ये इसको इन कैमरा सुने चैम्बर में सुने वो भी उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। उस फैसले को भी ओवर रीच करते हुए आज जो एक शर्मनाक हरकत की है इन्होंने रिमांड लेने आ गए हैं। ये 9, 10 और 11 पीका ये जो है एक्ट के तहत इन्होंने पर्चा दर्ज किया है और अब फरमाते हैं कि इनका 10 दिन का रिमांड हमें चाहिए दे दें ताकि हमने इनसे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद करनी है। ओ भाई सारा कुछ तो तुम लेकर गए हो, हत्ता कि वाटर डिस्पेंसर तक उखाड़ के लेकर गए हो जिसका क्या ताल्लुक था आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ। आपने वहां सारे अमले को गिरफ्तार कर लिया जिसमें हमारी फीमेल भी थी और हमारे जो है फिर जो हमारे टिकट लेने के लिए आए हुए थे माइनॉरिटीज वाले और हमारी मस्तूरात ख्वातीन जो अपना वो खां थी कि उनको मखसूस नशस्तें दी जाएं वो भी मौजूद थे, अपना अपना सीरीज अपना अपना जो है दरख्वास्तें लेकर आए थे उनको भी उठाकर ले गए, उनसे सारे मोबाइल भी छीन लिए, उनसे सारी दरख्वास्तें भी छीन ली। तो ये इस तरह का तो मेरे ख्याल में ऐसे लगता था जैसे कोई हिंदुस्तान की कोई फौज आ गई है और हमारे जो है यहाँ कब्जा कर लिया है। ओ भाई 93,000 आप लोगों ने तो सरेंडर किया था अरूड़ा के कदमों पर, अब खुदा रहा आवाम पाकिस्तान को तो इस तरह से यरगमाल बना के उनके तो हकूक और उनके कागजात और उनकी मिल्कियत और उनके मोबाइल और उनके जो दरखास्तें हैं उनको तो वापस लौटा दो, वो भी साथ लेकर चले गए। तो आज हमने सारा कुछ बताया कि कब तक हम ये गद्दारी के फतवे देते रहेंगे। मैंने कहा कि मोहतरमा फातिमा जिन्हा को हमने कहा सिक्योरिटी रिस्क है और वो और पाकिस्तान नहीं चल सकते, मैंने कहा इनको कि आपने जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है ये और पाकिस्तान नहीं चल सकते और हमने भुट्टो को फांसी दे दी, मैंने कहा कि आपने बेनजीर भुट्टो को कहा सिक्योरिटी रिस्क है और बेनजीर भुट्टो को आपने जो है वो कौम से मुनकत है जिस तरह से हुई है मुशर्रफ आज भी उसमें मफरूर मुलजिम मौजूद है, और मैंने कहा कि नवाज शरीफ को आपने प्लेन हाईजैकिंग केस में उम्र कैद सजा कर दी और वो भी आपने कहा कि ये हिंदुस्तान में इसको लैंड करवाओ, हिंदुस्तान में इसको जो है फौज का हमारा जो सरबराह था जो उस जहाज में मौजूद था उसको लैंडिंग की इजाजत पाकिस्तान की सरजमीन पर ना थी और उसको कहा गया कि तुम हिंदुस्तान में लैंड करो। आज वो माशाल्लाह इनका चहीता बना हुआ है, अब पता नहीं ये कैसे भूल जाते हैं कि आपके ही सरबराह को भाई आप ही के सरबराह को पाकिस्तान की सरजमीन पर जहाज को वहां लैंड करने की इजाजत नहीं दी थी और कहा था कि हिंदुस्तान में जाकर लैंड करवाओ आप, अपने आप सरबराह आज आप उसको चहीता बनाकर और उसको हुकूमत दी हुई है। अब हम इमरान खान के पीछे पड़े हुए कि इमरान खान और पाकिस्तान नहीं चल सकते और हमें गद्दारी के फतवे दे रहे हो, इसलिए जाने की कोशिश की जा रही है पार्टी को बैन करने की मंजूरी देने के लिए काबीना में आज मामला आ रहा है, क्या कहेंगे? करें जी, ये भी शौक पूरा करके देख लें, अगर ये 3 करोड़ अवाम जिन्होंने वोट दिया है वो गद्दार है, अगर मैं MNA बना हूं और हमारे 126 MNA बगैर फॉर्म 47 के हैं फॉर्म
147 दे दें तो हम 180 और 225 पे पहुंचते हैं। अगर कौम की दो तिहाई जो है अवाम गद्दार है तो यही आपने गद्दारी का फतवा 1971 में दे के आपने अपना आशर देख लिया था कि पाकिस्तान खाकम बदहन जिस तरह से दोलख्त हुआ वो भी आपने अवाम की ख्वाहिशात और उनकी उमंगों पर डाका मार के उनके मैंडेट से इनहराफ किया था। तो तारीख से कुछ तो सबक सीख लें, क्यों आप बाकी के पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं? ये हमारे खिलाफ साजिश नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम के खिलाफ साजिश है, ये इस पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है और मखसूस नशस्तों के हवाले से दरख्वास्त गुजार बन गई है, एक लिहाज से आपकी पुरानी चहेती जमात है, क्या कहेंगे? नहीं, पुरानी चहीती जमात मेरी थी, इसलिए भी थी क्योंकि भुट्टो शहीद का और बेनजीर शहीद की वो पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी, अवामी सियासत करते थे। अब पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ के पावर पॉलिटिक्स हो रही है, अब जूते पॉलिश किए जा रहे हैं इक्तदार में रहने के लिए और इक्तदार में आने के लिए। सो इसलिए यार फौज के फौजी और किसके सुनना चाहते हो, सुन लो, हमने तो कभी नहीं ये इससे नाराफ किया। देखें बात ये है कि ना इनको मिल सकते हैं, ये अपना सियासी खुदकुशी कर रहे हैं, ये सियासी खुदकुशी करने का अगर पीपल्स पार्टी को शौक है तो मैं क्या कह सकता हूँ।